एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ या स्टार डेल्टा मेथड या फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऐसा डायग्राम गिवन होगा, वो कहेगा एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। ना तो आपको कुछ सीरीज में मिलेगा और ना ही पैरेलल में मिलेगा, आपका क्वेश्चन आज की डेट में सॉल्व नहीं हो सकता। इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ज़्यादा तरीके मेरे पास तीन हैं। पहला मेन तरीका, आप इमेजिन करें कि आई करंट गया, आई करंट में से आई वन इधर गया तो आई माइनस आई वन इधर गया, आई माइनस आई वन में से आई टू इधर गया तो आई माइनस आई वन माइनस आई टू इधर गया, यहाँ से आई टू आ रहा है, इधर से आई वन आ रहा है, तो जंक्शन पे क्या आ रहा है आई वन प्लस आई टू, तो वापस भी क्या जाएगा आई वन प्लस आई टू, तो आई टू ऐसे चला गया और आई वन सीधा चला गया, ताकि टोटल सम आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, आई टू इधर आया, ये करंट में ऐड हो गया, आई टू कैंसिल तो आई माइनस आई वन, फिर ये और ये करंट मिल गई, आई वन कैंसिल तो वापस आए। इसका मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि मैंने एंट्री आई की करवाई और एग्जिट भी आई हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये करंट आई टू बाईपास हो रहा है, ये देखो मिक्स नहीं हो रहा, आई वन का आई वन जा रहा है, आई टू का आई टू जा रहा है, तो फिर ये ख्याल आया जंक्शन बनाया क्यों हुआ है, हटा दो, फर्क क्या पड़ रहा है, आई टू जाएगा, आई वन जाएगा, हटा भी दो लगा भी दो फर्क ही नहीं है, चलो हटा देते हैं, क्वेश्चन ईजी हो गया मेरे लिए। अब कैसे, अब ये किस में है इन सीरीज, और ये इसके साथ इन पैरेलल, इन सबके साथ इन सीरीज, और इन सबके साथ इन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, ना ना, आपसे कौन करवा रहा है ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ कि डिटैच कैसे हो सकता है सर्किट। तो ये डिटैचमेंट है कि कैसे डिटैच किया मैंने, सिमेट्री के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम में ये डिटैच हो जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब आंसर 8/7 आ रहा है, चलो आपको नई ख्याल आया कि ये नई मेथड पसंद आया, कोई बात नहीं। मेथड टू, मेथड टू कहता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन सिमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सिमेट्री ऐसी कि अगर आप एक लाइन खींच लें इसके सेंटर में से और इसे फोल्ड कर दें, एक के ऊपर एक सर्किट आ जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज है, देख रहे हो, जितने क्वेश्चन मिरर इमेज के होते हैं और आप उसको सेंट्रल लाइन से काट दो, दो बॉर्ड मतलब दो अलग अलग इमेजेस में, तो एक लेफ्ट में एक राइट पे सिमेट्री है, ये इमेजिनरी लाइन जहां जहां इसको कट करती जाएगी वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल होते जाते हैं, ठीक है, रूल है सिमेट्री का, सिमेट्रिकल फिगर में ओनली। आप उसको सेंटर से जब काट देंगे एक इमेजिनरी लाइन से, तो जहां जहां वो सर्किट को कट करता जाएगा वहां पर वी सेम होता जाता है। तो इमेजिन करो यहां पर वी और यहां पर वी सेम है, ये रेजिस्टेंस आर थी तो आधी आर बाई टू, आधी आर बाई टू कर दी, अब यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो मैं काम करता हूं इस वायर के एंड को यहां ज्वाइन करने की बजाय मैं यहां करवा देता हूं, बात तो एक ही है ना, इसको क्योंकि इसका इसका पोटेंशियल सेम है, तो इस वायर को यहां की बजाय यहां ज्वाइन करवा दो और यहां ज्वाइन की करने की बजाय यहां करवा दो, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, क्योंकि ये यहां पर वी कनेक्टेड था मैंने यहां कर दिया, एक ही बात है, यहां पे R बाई टू V पे कनेक्टेड था मैंने नीचे कर दिया, एक ही बात है, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ये दोनों इन पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, ऐसे ये भी सीरीज में, आंसर इसमें भी सेम आएगा। तुम्हें जो पसंद है तुम वैसे कर लो, तुम्हें ये पसंद है वो डिटैच वाला वैसे कर लो, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सिमेट्रिकल सर्किट्स को तोड़ लो, वी सेम करके तारों को उल्टा सीधा जोड़ लो, तो सर्किट इजी हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, और तुम्हें यह भी पसंद नहीं तो एक ब्रह्मास्त्र है, बस वो चला दो, वो तो तोड़ के रख देगा पूरे सर्किट को जबरदस्त तरीके से, इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड। बस जिसने ये चला दिया उसका बेकार से बेकार गंदा सर्किट भी अच्छा लगना स्टार्ट लेगा उसे, देखो कैसे। तीसरा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन है, ऊपर नीचे है, इसको इसको डिटैच कर दो तो डायग्राम इजी ऐसे बन गया, ऐसा ऊपर वाला क्वेश्चन तो किया ही ना, दो क्वेश्चन जोड़ दिए, अब ये तो हो ही जाएगा, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। मेरे को करवाना है स्टार डेल्टा मेथड, देखो ये जबरदस्त मेथड है, मतलब आज की डेट में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि चलो आप एक काम करो, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो इस पूरे सर्किट की, सबसे पहला काम आप ये चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है, तो आप करेंगे 2/2, 3/4 बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आप इसे नहीं हटा सकते और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है फिर भी,
आपके पास आज की डेट में कोई तोड़ नहीं है, आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, पर मेरे पास एक तोड़ है जो 60 सेकंड में इसको ठीक कर देगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर देगा जो कभी सॉल्व भी नहीं हो पाते थे। देखो क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर आपका डायग्राम ऐसा है, तीन रेजिस्टेंसेस ऐसी हैं, इसको बोला जाता है ये स्टार नेटवर्क है, इसको स्टार बोलते हैं, और अगर आपकी तीन रेजिस्टेंसेस ऐसी हैं, इसको बोलते हैं ये डेल्टा है, ट्राइंगल डेल्टा है, तो आपको इसमें डेल्टा ढूंढना होता है। जैसे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, आप इसमें ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल इज अ डेल्टा। हमारे पास फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। तो डेल्टा ये होता है, स्टार ये होता है। तो इमेजिन करो कि मैंने इसके अंदर एक स्टार बना दिया, एक रेजिस्टेंस ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये डायग्राम को स्टार बोलते हैं। तो मैं इन तीनों को हटा के ये लगाने वाला हूँ इसकी जगह, जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम होगा। तो देखो, अगर ये रेजिस्टेंस निकालनी है, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल के रेजिस्टेंस का सम कितना है, 2 + 5 = 7 + 3 = 10, टोटल सम 10 है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसके अगर ये यहाँ कनेक्ट की जाएगी, इसके लेफ्ट और राइट कितनी रेजिस्टेंस है, 2 और 5, तो आपने क्या करना है, 2 × 5 / ऑल सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 10 आंसर बना जाएगा। जैसे ये वैल्यू निकालनी है जो यहाँ कनेक्ट होने वाली है, इसके लेफ्ट और राइट पे 2 × 3 / 10, और ऐसी ये इधर कनेक्ट होगी, 3 × 5 / 10। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इस 2 ओम को तो छेड़ा ही नहीं, छोड़ दो ऐसे ही, मैंने 4.5 को भी टच नहीं किया, ऐसी रहने दो, मैंने बीच वाली वायर 5 ओम को भी टच नहीं किया, ठीक है, इसको तो छेड़ा ही नहीं ट्राइंगल, वो इस ट्राइंगल को हटाना चाहता हूँ, इसकी जगह स्टार लगाना चाहता हूँ, तो इन तीनों को हटा रहा हूँ, मीन्स इसको तो हटा ही रहा हूँ, रादर 5 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को मैंने यूज़ कर लिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर इन तीनों की जगह ये लगा रहा हूँ। देखो, ये यहाँ कनेक्ट होगा ऐसे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। ये यहाँ कनेक्ट होगा 1.5, ये देखो 1.5, और ये यहाँ जाएगा ये वाला कितना, 0.6। तो देखो मैंने बनाया हुआ है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, 2 को छेड़ा नहीं, 4.5 को छेड़ा नहीं, जो ये वाला ट्राइंगल था, ट्राइंगल को उठा के देख रहे हो, स्टार, ये देखो स्टार कनेक्ट कर दिया, ट्राइंगल हटाया, डेल्टा हटाया, स्टार लगाया, 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व, ये दोनों सीरीज में आपस में, इसके साथ इक्विवेलेंट डायग्राम आ गया। इससे अच्छा कोई नहीं है, गंदे गंदे सर्किट जिसमें ट्राइंगल दिख जाए उसको तोड़ दो, उसका स्टार बना दो, एकदम डायग्राम खुल जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया हुआ लॉजिक, इसका प्रूफ भी है, मैंने हटा दिया, लास्ट ईयर भी करवाया था प्रूफ, 2-3 साल से करवा रहा हूँ, बिल्कुल किसी मतलब का नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है, फिर एंड में यूज़ यही करना होता है, तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट करवा दिया और प्रूफ को हटा दिया, नहीं करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके, क्या करेंगे जाके, अभी उर्वर निकालना है तोड़। देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में 7.5 किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज 15, ये भी 15, तो ये 15, ये 5, 5 15 और 15 5, डायग्राम ऐसा बन गया, 5 15 5 15, सच दैट ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना ही नहीं, 5 15 / 5 इज नॉट इक्वल टू 5 / 15। अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं बीच में से एक ट्राइंगल लूंगा, डेल्टा और स्टार बनाऊंगा, कैसे, इसकी वैल्यू क्या है, 15 × 5 / 15 + 5 + 5, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 5 × 15 / 15 + 5 + 5, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 5 × 5 / 15 + 5 + 5। तो अब मैं इसको फिट कर दूंगा उसके साथ, ये तीनों ट्राइंगल का ये साइड्स हटा दूंगा और ये फिट करूंगा, देखो 3 1 और 3, तो निकाल लेना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।